अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुनव्वर हरल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो अपने फ़ोटो और म्यूज़िक के ज़रिए किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने डेस्कटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है आइसक्रीम स्लाइड शो मेकर। मैंने अपने पिछली वीडियो में 3 वेबसाइट बताई थी, आप उन वेबसाइट से इसे आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फ़ोटो ऐड करते हैं और म्यूज़िक ऐड करते हैं और आप आगे आपकी फ़ोटोज़ चलती रहती हैं और म्यूज़िक भी साथ साथ चलता रहता है, इस तरह आपकी वीडियो क्रिएट होती है। अगर आपने एक फ़ोटो के पीछे फुल गाना लगाना है तो यहाँ से ऐड फ़ोटो करेंगे, अगर आपने ज़्यादा फ़ोटोज़ लगानी है तो आप यहाँ से ऐड फोल्डर करेंगे। मैंने ज़्यादा लगानी है इसलिए मैंने ऐड फोल्डर किया। फिर आप यहाँ से उस लोकेशन पर जाएँगे जिस पर आपकी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं और यहाँ से आगे सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे और आपकी सारी वीडियोस आ जाएंगी यहाँ पे, फ़ोटोज़ आ जाएंगी आपकी जो भी हो। इसके बाद आपने ऑडियो जो आपने बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाना है वो वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, वो वाली फ़ाइल जहाँ पे भी होगी वो आपने निकाल के लगा देनी है। जो म्यूज़िक आपने लगाना है वो आप अपनी लोकेशन पे जाकर लगा सकते हैं। इस तरह इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे तो वो वाला म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर वीडियो वो पूरी चलने लग जाएगी, पीछे म्यूज़िक भी चलेगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रैंडम है, इसको हम पिक्सेलेट करते हैं तो ये इस तरह से शो होगा। सारों के चेंज कर देते हैं ताकि वीडियो अच्छी लगे देखने में, इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। इस तरह उसके बाद यहाँ से आप इसके टाइम भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाना मेरे पास 5 मिनट 3 सेकंड का है इसलिए मैं इसको एक्सपेंड करके 5 मिनट 3 सेकंड तक लेके जाऊंगा। सारों में 20-20 सेकंड का वक्फा डाल देते हैं। आप यहाँ से कोई भी डाल सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, इसका मतलब ये है कि इतने सेकंड के बाद आपकी अगली फ़ोटो वीडियो में शो होगी। तो ये मैं सारी डाल देता हूँ इसमें 20 सेकंड्स की। अब देखते हैं ये
कुछ नहीं है, ये अब 7 मिनट में की हो गई है। ऐसे मैं 5 मिनट 3 सेकंड की करना चाहता हूँ, तो बीच में से कुछ कम कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो पीछे ऑडियो चाह रहा है उसी टाइम में वो ख़त्म होगी, फ़ोटोज़ भी उसी टाइम में ख़त्म होगी और ऑडियो भी उसी टाइम में ख़त्म होगा। तो ये एक अच्छी वीडियो बनेगी इस लिहाज से। अब मैंने कुछ कुछ में कम कर दिए हैं, कुछ में ज़्यादा हैं, आप चेक करते हैं। अभी भी ज़्यादा है, अभी भी थोड़े कम कर लेते हैं इसमें से। अब तकरीबन ठीक है, लेकिन अभी भी 10 मिनट का फ़र्क आ रहा है। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं ताकि वीडियो अच्छी बन सके। अब चेक करते हैं आप, मेरे ख्याल से पूरे, हाँ आप देखें 5 मिनट 2 सेकंड, अब ठीक है, अब एक अच्छी वीडियो बनेगी। इसका प्रीव्यू यहाँ से करेंगे तो ये फुल यहाँ से चल के 5 मिनट 2 सेकंड के बाद ख़त्म होगी। इस तरह से ये अपने जो ये इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आती ही रहेगी, फ़ोटो आती रहेगी और इस तरह ये वीडियो चलती रहेगी। यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फ़ोटोज़ और ऑडियो लगाए हैं इसको वीडियो बनना शुरू हो गई है। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज की थी इसलिए कि वो ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रोग्रेस 100% हो गई है, उसके बाद ये आ गया। इसके बाद अपनी वीडियो जहाँ पर सेव होगी उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये ओपन फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर आपकी वीडियो सेव हुई है। इसको आप प्ले कर देंगे। अगर ये किसी और चीज़ में ओपन हो रहा है तो इसको VLC में या जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसमें ओपन विद कर सकते हैं। तो इस तरह ये वीडियो चल जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मैं क्लियर ना कर पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इसमें भी अभी कुछ फीचर्स कम हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरी स्लाइड शो मेकर के साथ एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर करूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो एनी वीडियो कन्वर्टर पर होगी, इसकी मदद से आप वीडियो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा एनी वीडियो कन्वर्टर, और इसके बाद फिर मैं आपके लिए एक और स्लाइड शो मेकर के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।